दोस्तों आप सभी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में सुना होगा और हम सभी क्योंकि इंटरनेट यूजर्स हैं तो ऐसे में हमको लगता है कि यार ये चीज क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बारे में जानना तो बहुत ही जरूरी है। तो आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में ही बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए कि आज की डेट में आपके घर में ऐसे कितने डिवाइसेज हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। आपका एक तो मेन राउटर हो गया है, आपके सभी मोबाइल फोन्स हो गए हैं, उसके अलावा आपके घर में जो भी लैपटॉप्स टैबलेट्स हैं वो सभी हो गए हैं, और उसके अलावा हो सकता है आपके घर में काफ़ी सारे स्मार्ट डिवाइसेस होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीमिंग डोंगल जैसे कि क्रोमकास्ट, या फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर मॉनिटर। तो ये सभी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकता है। आपका सिक्योरिटी सिस्टम जो अगर आपने लगाया कोई सीसीटीवी कैमरा वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो ऐसे में आज की डेट में हम डे बाय डे ऐसे नए डिवाइसेस को यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली क्या है कि इन्हीं सब डिवाइसेस का जो इंटरनेट से जुड़े हैं उन्हीं का एक कॉम्बिनेशन है, उन्हीं का एक परिवार है और उन्हीं का एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट देखिए नॉर्मल तो ये होता है कि आप अपने फोन में गूगल खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, फेसबुक चला लीजिए, तो ये इंटरनेट तो है ही है। इसके अलावा जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो काफी स्मार्ट फीचर होगा जिससे डिवाइसेस अपने आप बातें करेंगे, अपने आप आपके अच्छे के लिए अपना काम करेंगे और सारा काम ऑटोमेटिक करते हुए इंटरनेट के थ्रू बड़े आराम से कम्युनिकेट करते हुए आपने सारे काम को कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा। फॉर एग्जांपल एक कार है और कार में जो जीपीएस यूनिट है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब ऐसे में फॉर एग्जांपल कार कहीं चल रही है, सामने एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होते ही कार की तरफ से ऑटोमेटिक अगर पुलिस स्टेशन पे कॉल चला जाता है कि इस जगह पे ये लोकेशन पे एक्सीडेंट हो गया है और आप प्लीज़ यहाँ पे एम्बुलेंस को भेज दीजिए और आप यहाँ पे पुलिस को भेज दीजिए अगर इनकेस एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो ऐसे में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे आपको कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपकी कार से मैसेज गया और वो अपने आप जो एम्बुलेंस थी या जो भी पुलिस स्टेशन था वहाँ पे भी ऐसा डिवाइस लगा है जो उसको रिसीव कर रहा है ऑटोमेटिकली और बाद में अपने आप साइट पे वो मदद जो है वो आ जाती है। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि आपके घर में जो गैराज है वो आप खुला छोड़ गए हैं, आपने उसका डोर नहीं लगाया है और वहाँ पे आपने सेंसर्स वगैरह लगाए हैं, आपके घर के जो शेड्स हैं वहाँ पे भी आपने उनको खुला छोड़ दिया, आपने बंद नहीं किया है। तो ऐसे में जो डिवाइसेज हैं अगर वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और वो ये देखते हैं कि आपके घर में कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई भी हलचल नहीं है, इसका मतलब आप घर पर नहीं हैं, और ऐसा करने की वजह से खिड़कियाँ अपने आप बंद हो जाती हैं, आपका गैराज का डोर अपने आप बंद हो जाता है और आपको आपके फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि आपका घर लॉक हो चुका है और अगर आप जब पहुँचें तो आप इस बटन को दबाइएगा तो हम कर देंगे घर को अनलॉक। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जाम्पल हैं, हम आज की डेट में इसका पोटेंशियल 1% तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इसको आगे बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये सपने से कम नहीं है कि इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी कितनी ज्यादा हो सकती हैं। जैसे कि एक कार अगर आप चलाते हैं और कार के अंदर कोई भी फॉल्ट होता है तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी कार में एक ऐसा डिवाइस लगा है जो मैन्युफैक्चरर के पास डायरेक्टली आपके कार के डेटा को भेजता रहता है और आपका मैन्युफैक्चरर आपको आपके मोबाइल फोन पर नोटिफाई करवाएगा कि आपकी कार के अंदर इंजन ऑयल लो है या इंजन टेम्परेचर बढ़ रहा है या इस टायर का प्रेशर कम है और आप इसको प्लीज गैराज में लेके आके ठीक करवा लीजिए। तो ऐसे केस में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आपकी गाड़ी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है मैन्युफैक्चरर से और बड़े आराम से आपको जो बिहाइंड द सीन सारा काम है उसमें बिना पड़े हुए सारी इंफॉर्मेशन आपके फोन पे देखने को मिल रही है। मतलब हार्ट पेशेंट है, किसी ने कोई मशीन लगाई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के पास जा रही है, वो वहाँ पे एनालाइज कर रहा है सीधा अपने पेशेंट्स को। तो ऐसे मतलब बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहाँ पे इंटरनेट थिंग्स जो है वो आ सकता है और मुझे उम्मीद है कि जब फ्यूचर में आएगा तो हम सभी की लाइफ को काफ़ी ईजी बना देगा। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक टेक्निकलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।